टॉपिक है हमारा फेजिज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो ये रिसर्च है इसका पूरा प्रोसेस क्या है। पहले तो एक होती है बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। उसमें क्या किया हमने, कोई नई मेडिसिन या नई ड्रग जो है हमने वो डिस्कवर कर ली, ठीक है। अब उस नई ड्रग की जो है होगी पहले इनविट्रो स्टडी, ठीक है, लैब पे, सेल्स पे, टिश्यू कल्चर से उस पर स्टडी होगी। उसके बाद होगी उसकी एनिमल्स पे स्टडी, ठीक है। उसके बाद होगी उसकी ह्यूमन सब्जेक्ट पे स्टडी, और फिर वो पास होगी जनरल पब्लिक के लिए। ओके, तो यही हम देखते हैं। तो फेजिज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पे हम जाएं, उससे पहले थोड़ा हम एक प्री क्लिनिकल फेज और फेज जीरो वाला फेज देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फेजिज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली अगर हम बात करें और आयुष मिनिस्ट्री के अगर डॉक्यूमेंट से देखें तो चार फेज उन्होंने बताए हुए हैं, फेज 1, 2, 3 एंड फेज 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिलेबस वगैरह भी देखो तो वहाँ पे एक फेज जीरो भी दिया हुआ होता है, जिसको जनरली फेज में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसको अक्सर जो है स्किप ही कर दिया जाता है, फेज वन के लिए वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कितने फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, तो चार फेज होते हैं, फेज 1, 2, 3 एंड 4। ओके, हमें स्टडी करना है हर फेज का कि उसका प्राइमरी गोल क्या है, क्योंकि उसके ना एडिशनल गोल भी होते हैं। एक तो उसका मेन मकसद होता है, उसके साथ छोटे छोटे कुछ और भी मकसद होते हैं। उसमें क्या डोज देते हैं हम मेडिसिन की, कितने पार्टिसिपेंट तक हम ले सकते हैं रिसर्च के लिए, और कुछ और अगर स्पेशल बात है उसके बारे में तो वो तो देखते हैं। प्री क्लिनिकल से स्टार्ट करते हैं, उसका नाम ही कह रहा है प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल से पहले लेवल पे है कि ह्यूमन ट्रायल से पहले वाला लेवल है, यानी कि उसकी तैयारियां चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे टेस्ट किया जाता है, ह्यूमंस पे टेस्ट ही नहीं है, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे है। क्यों कर रहे हैं टेस्ट, क्या हम देखना चाह रहे हैं? तो हम देखना चाह रहे हैं एफिकेसी कैसी रहती है उस ड्रग की, टॉक्सिसिटी का क्या लेवल है, और फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें कैसी मिलती है। फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीके। ओके, पीके का मतलब, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनसाइड द आदमी, ठीक है, समझ रहे हो, आदमी के अंदर ड्रग का मूवमेंट कैसा होता है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, ADME, आदमी, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये चीजें देखी जाती है फार्माकोकाइनेटिक में। अच्छा, डोज की बात करें तो डोज की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती इसमें, ठीक है। इनविट्रो या एनिमल्स पे स्टडी चल रही होती है तो डोज आप ट्राई करके देखते रह सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि ये देनी है ये नहीं देनी है। ओके, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन पार्टिसिपेंट इसमें है ही नहीं, ये या तो इनविट्रो होती है या तो एनिमल होती है। ओके, अब चलते हैं फेज जीरो पे, ठीक है। ये रियल में जो है क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने से जस्ट पहले वाला है, जनरली होता नहीं है, स्किप कर दिया जाता है। इसमें भी हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है उसकी, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि आदमी, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी हम स्टडी करेंगे। पर्टिकुलरली इसमें ओरल बायोअवेलेबिलिटी देखने की कोशिश करते हैं, हाफ लाइफ डिटरमिन करने की कोशिश। इसमें जो डोज हम देखते हैं वो बहुत ही स्मॉल डोज करके देखते हैं, सब थेरेप्यूटिक लेवल की डोज होती है वो, बहुत ही छोटी, बस एक हल्की सी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा 10 लोग इसमें रखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा मेन है, ठीक है, ये है हमारे मेन फेजिज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, फेज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, देखते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, फेज वन का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, सेफ्टी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहला काम सेफ्टी, सेफ है कि नहीं, एक्सेप्ट भी ह्यूमन बॉडी इसको एक्सेप्ट भी करेगी, नहीं जहर तो नहीं बना के बैठ गए कम कि ये चखा नहीं और बंदर निकल गया, ठीक है। तो बहुत सेफ्टी का मेन है कि भैया यही सेफ है कि नहीं, ये पहला देख रहे हैं। तो इसमें जो डोज होती है वो फिक्स नहीं होती, मल्टीपल डोजिंग होती है। स्टार्ट हम लोग करते हैं सब थेरेप्यूटिक डोज से, बहुत ही छोटी डोज से, और फिर उसको असेंडिंग डोज में थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखते हैं कि मतलब कहाँ तक वो एक्सेप्ट करेगी ह्यूमन बॉडी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं वो 20 से 100 की रेंज में लिए जाते हैं, जनरली 50 के आसपास, लेस देन 50, ठीक है। जो ये डाटा है ना वेरी करता है कि कितने पार्टिसिपेंट है, तो मैंने ये डाटा लिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। तो जनरली जो है 50 से कम पार्टिसिपेंट इसमें रखने चाहिए, और इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये हेल्दी वॉलंटियर्स पे करवाया जाता है, ठीक है। इंस्टीड की हमें कोई पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत ना हो, जैसे मान लो अगर कैंसर के लिए पेशेंट के लिए कोई ड्रग बनी है स्पेशली, तो फिर वो कैंसर वाले पे ही ट्राई होगी, फेज वन में भी हेल्दी वाले पे ट्राई नहीं कराते हैं उसको, अदरवाइज ये जनरली हेल्दी वॉलंटियर्स पे होती है। ओके,
फेज टू में आ जाओ। फेज टू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी। हमने हालांकि फेज वन में देख ली, तो इसमें हम थोड़ा देखते हैं लॉन्ग टर्म सेफ्टी उसकी कैसी रहेगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा काम है डोज एंड शेड्यूल, जिसको डोज एंड रेजिमेन भी बोलते हैं। पूछा जाएगी कौन से वाले फेज में डिसाइड होता है कि क्या डोज रहेगी क्या रेजिमेन रहे। अभी तो देखो फेज वन में तो मल्टीपल डोजिंग थी, बिल्कुल छोटे शुरू करके हायर बढ़ा के असेंड करके देख रहे थे कि कहां तक एक्सेप्टेबिलिटी करती है बॉडी। तो अब यहां पे आके हम थोड़ा और करके और डोज और शेड्यूल ये सब डिसाइड करेंगे। अर्ली इंडिकेशंस ऑफ सेफ्टी जो है हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें जो डोज देंगे हम थेरेप्यूटिक डोज देंगे, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं कर रहा कि हम मतलब एक असेंड करते जाएंगे, थेरेप्यूटिक डोज जो डिटरमिनी वो इसमें अब देना शुरू करेंगे। ये जनरली जो है 100 से 500 जो सब्जेक्ट्स हैं या पेशेंट्स हैं उन पे दी जाती है, और पेशेंट होते हैं लो रिस्क वाले, हाई रिस्क के पेशेंट नहीं, लो रिस्क के पेशेंट पे दे रहे हैं जिनमें ना हेल्दी भी नहीं हो लेकिन थोड़ी डिजीज हो, लो रिस्क वाले पे देंगे। थर्ड फेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवनेस को चेक करना, ठीक है। ध्यान देना एफिकेसी जो हम देखते हैं, ठीक है, वो हम देख रहे हैं जनरली एफिकेसी कहते हैं कि जब हम उसको एक स्मॉल लेबोरेटरी सेटिंग पे देखते हैं, और इफेक्टिवनेस मतलब है कि लार्ज एरिया में हम उसको देखने की कोशिश करें। तो इसमें इफेक्टिवनेस का मेनली जो है पता लगाया जाता है फेज थ्री के अंदर, ठीक है। और इसमें भी डोज वही, अब आगे सब में थेरेप्यूटिक डोज ही चलेगी। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 1000 या उससे भी ज़्यादा होते हैं, और हाई रिस्क सब्जेक्ट हम इसमें लेना शुरू कर देंगे। फेज थ्री के बाद जो है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा जनरल पब्लिक के यूज के लिए, और फिर वो जनरल पब्लिक में यूज में आ जाएगी, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पीछे पीछे बैकग्राउंड में एक और फेज चलता रहता है जिसको बोलते हैं फेज फोर, जो कि होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है। ये वो जो ड्रग इंस्पेक्टर वाले सर्विलेंस, उससे अलग वाला एक सर्विलेंस होता है जो स्टडी चल रही होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता रहता है, पेशेंट आते रहते हैं, उनको चलती रहती है, और काफ़ी लंबे अरसे तक हम देखते हैं कि जो है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके क्या होते हैं, ड्रग की आपस में क्या रिलेशनशिप्स रहेगी, ये सब चीज़ें वहाँ पर स्टडी में चलती रहती है। तो ये होता है मार्केट में आने के बाद वॉचिंग द ड्रग यूज इन द पब्लिक। अब इनके है ना कुछ सिनोनिम्स भी होते हैं, जैसे जो ये फेज वन वाली है इसको हम बोल देते हैं ह्यूमन फार्मेकोलॉजी, क्या बोल देते हैं, ठीक है, ह्यूमन फार्मेकोलॉजी, ठीक है, इसी में ह्यूमन फार्मेकोलॉजी इसको बोलते हैं। फेज टू वाली जो हमारे पास है इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, क्योंकि इसमें हम एफिकेसी के बारे में देख रहे हैं कि कौन कितना इसका असर रहेगा कितना नहीं रहेगा, ठीक है। इफेक्टिवनेस हालांकि वो फेज थ्री में आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल्स, क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल, कौन सा, फेज थ्री, मैं लिख देता हूँ थेरेप्यूटिक, कौन सा है, थेरेप्यूटिक कन्फर्मेटरी कन्फर्म, कौन सा है, फेज थ्री, और वो जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कौन सा है, फेज फोर। एक बार फिर से देखो, तो फेज प्री क्लिनिकल तो एनिमल वाली स्टडी और इनविट्रो हो गई, फेज जीरो को जनरली करते हैं स्किप कर देते हैं फेज वन के लिए। तो आगे हम फेज वन पे, फेज वन में ये डिटरमिन किया जाता है वेदर द ड्रग इज सेफ टू चेक फॉर द एफिकेसी, उसके फायदे हम देखें उसके लिए क्या वो सेफ भी है कि नहीं, कतई जहर तो नहीं बना के बैठ गए। तो पहला फेज क्या है, सेफ्टी एंड एक्सेप्टेबिलिटी की स्टडी करना। दूसरे फेज में हम आ गए, ठीक है, तो इसमें हम डिटरमिन करते हैं वेदर द ड्रग कैन हैव एनी एफिकेसी, ठीक है, उसकी कोई एफिकेसी है भी कि नहीं, ठीक है। एट दिस पॉइंट ड्रग इज नॉट प्रिज्यूम टू हैव एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट व्हाट्सएवर, अभी तक ये माना नहीं गया कि उसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है भी कि नहीं है, ठीक है। इसलिए जब मैं आपको ये करा रहा था तो मैंने इसको नाम दिया थेरेप्यूटिकली एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, अभी एक्सप्लोर किया जा रही है उसकी थेरेप्यूटिक उसकी एफिकेसी को, अभी तक माना नहीं गया है। फेज थ्री में जब पहुंच चुकी है, ठीक है, तो अब हम डिटरमिन करते हैं ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे अब प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसमें कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लोर पहले ही पिछले फेज में करके आ चुके हैं, और फेज फोर में जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखा जाता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को नहीं देखा जा रहा, लॉन्ग टर्म सेफ्टी वगैरह की बात थोड़ी सी फेज टू में भी हो चुकी है। ये है कम्युनिटी बेस्ड है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर चुका होता है फेज फोर में, वो मार्केट में उतर चुकी है फेज थ्री के बाद वो मेडिसिन, ठीक है। तो ये हुए आपके पेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, इतना सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। थैंक यू।